अब देखो जो हमने ग्राफ बनाए थे यूनिक सॉल्यूशन, पैरेलल सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन के, उन सबको एक साथ मैंने लिख दिया ताकि आपको पता कैसे चले कि सर यूनिक सॉल्यूशन है कि पैरेलल सॉल्यूशन है कि नो सॉल्यूशन है। तो ये मैंने तीन अलग अलग एग्जांपल लिया है और इन तीन अलग अलग एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखो ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, ठीक है। सबसे पहले क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये वाली तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये वाली स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये वाली नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस माइनस थ्री को उठा के यहाँ लाएंगे, तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई माइनस थ्री इक्वल टू जी। क्लियर है यहाँ तक। अब इसकी कंपेरिजन करेंगे किससे, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो से, ठीक है। जिसके आगे कुछ नहीं हो तो उसके आगे क्या होता है, वन। तो यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो यहाँ पे भी क्या लगा देंगे, वन। तो ए वन कितना आ गया, देखो ए वन आ गया वन, बी वन कितना आ गया, ये भी आ गया वन, और सी वन कितना आ गया, माइनस थ्री। क्लियर है यहाँ तक। अब इसको देखो, इस इक्वेशन को लिखो, क्या लिखा हुआ है, थ्री एक्स माइनस टू वाई माइनस फोर इक्वल टू जीरो। इसी कंपेरिजन करो किससे, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो, ठीक है। कितना आया ध्यान से देखो, ए टू मेरा कितना आया, ए टू आया थ्री, बी टू कितना आया माइनस का टू, और सी टू कितना आया माइनस का फोर। क्लियर है यहाँ तक। अब रेशियो निकालो किसका, ए वन अपॉन ए टू, ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू, ए वन कितना है यहाँ देखो वन वन, और ए टू कितना है थ्री। इसी तरीके से बी वन अपॉन बी टू का रेशियो निकालो, बी वन कितना है ये वन, और बी टू कितना है माइनस का टू। उसी तरीके से सी वन अपॉन सी टू का रेशियो निकालो, ठीक है। ये कितना है, सी वन कितना है ये माइनस का थ्री, और सी टू कितना है माइनस का फोर। तो माइनस से तो माइनस कट गया, तो यहां से हमें देख के पता चल गया कि ए वन अपॉन ए टू का रेशियो, ए वन अपॉन बी टू का रेशियो है वो नॉट इक्वल टू किसके, बी वन अपॉन बी टू। यहां से भी पाएगा ये माइनस यहां के यहां हो गया ना, तो क्या ये बराबर नहीं है, क्या ये बराबर है, नहीं ये बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, ये जो इक्वेशन है ये है यूनिक सॉल्यूशन या एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। आई बात समझ में, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, अच्छे से नोट डाउन कर लो एक एक चीज। अब इसको देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं है। देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये देखो इसमें चाहो तो आप बोला बता दो कैसे, ये मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म है ये, ठीक है। तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, अभी नहीं, इसको इधर ले आओ। तो क्या हो जाएगा, ये यहां से देखो तो क्या हो जाएगा, ये 2x plus 4y minus 10 equal to 0। अब कंपैरिजन करो, a1x plus b1y plus c1 equal to 0, कितना आ रहा है, a1 equal to 2 b1 equal to 4 और c1 equal to minus 10 है, आ गया। क्लियर है। दूसरी इक्वेशन लिखो, देखो अलग अलग पेन से लिख रहा हूँ मैं, कौन सी, थ्री एक्स प्लस सिक्स वाई माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जी। ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाया, ठीक है। अब कंपेरिजन करो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो से, क्लियर है मेरे ख्याल से। तो इसको हम चाहो तो यहाँ पे लिख भी सकते हो, यूनिक सोल्यूशन, क्या है ये, यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। कैसे आया, समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको कंपेरिजन करो तो ए टू कितना आ रहा है, देखो ध्यान से, अलग मार्क से लिख देता हूँ, ए टू आ रहा है मेरा थ्री, बी टू कितना आ रहा है सिक्स, और सी टू कितना आ रहा है माइनस का फोर। अब रेशियो निकालते हैं किसका, ए वन अपॉन ए टू का, ठीक है। रेशियो निकालते हैं किसका, ए वन अपॉन ए टू का रेशियो, ए वन अपॉन ए टू कितना है, ए वन यहाँ देखो टू, और एट बी टू कितना है थ्री। उसी तरीके से बी वन अपॉन बी टू का रेशियो कितना है, फोर, बी वन कितना है फोर, और बी टू कितना है सिक्स। दोनों टू की टेबल जाएंगे तो टू टू जा टू थ्री जा, ठीक है। उसी तरीके से सी वन अपॉन सी टू का रेशियो निकालो, कितना आ रहा है, माइनस का टेन अपॉन माइनस का ट्वेल्व। तो माइनस से माइनस कर दिया, दोनों टू की टेबल आते हैं तो टू फाइव जा टू सिक्स जा। तो यहां से रिजल्ट क्या आया मेरे पास, देखो ध्यान से, ये मैं बिठा देता हूँ क्योंकि ये मेरा काम हो गया, ठीक है। तो यहाँ से रिजल्ट क्या आ रहा है, ध्यान से देखना,
ये है मेरे पास ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। जब भी ऐसा आ जाए तो इसका मतलब होता है नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ठीक है, नो सॉल्यूशन और पैरेलल लाइंस। क्या होता है? पैरेलल लाइंस, ठीक है, क्लियर है यहां तक? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, सिंपल सा है, कोई दिक्कत। अब तीसरा देखते हैं, ठीक है, ये वाला। तो इसकी कंपैरिजन करते हैं, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर्म है दोनों, ठीक है, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, डायरेक्ट इक्वेशन लिख लो 4x plus 6y minus 14 equal to 0. Comparison करो a1x plus b1y plus c1 equal to 0. Sign के साथ value रखते हैं, ठीक है, जो value है उसको sign के साथ, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, a1 equal to 4, b1 equal to 6, c1 equal to minus 14. उसी तरीके से अगली equation कौन सी है, देखो अगली equation कौन सी है, a(x) plus 12y minus 20 equal to 0. कितना आ रहा है ये? इसकी कंपैरिजन करो b2x plus b2y plus c2 equal to 0. क्लियर? a2 कितना है यहाँ पे? a2 है equal to 8, b2 कितना है जी? 12 और c2 कितना है जी? minus 20. क्लियर? और निकालते हैं a1 upon a2. तो a1 upon a2 कितना है? a1 4 और a2 8. तो 4 बन गया, 4 2 जा। उसी तरह से b1 upon b2 निकालेंगे, कितना है ये 6 और ये कितना है 12, तो 6 बन गया 6 2 जा। उसी तरह से c1 upon c2 निकालेंगे, कितना है c1 माइनस का 14 और माइनस का 20, तो माइनस से माइनस कर दिया 14 बन गया 14 2 जा। अब ये तीनों रिजल्ट क्या है मेरे पास, इसको मिटा देता हूं, देखो ध्यान से। तो ये मेरे पास क्या है, अच्छे से समझो, a1 upon e2, a1 upon e2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2। जब भी तीनों बराबर आ जाए तो इसको बोलते हैं इनफाइनाइटली, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है, मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, और क्या बोलते हैं इसको, को इंसिडेंट लाइंस। क्लियर है यार? तो ये तीनों कैसे कंपैरिजन करते हैं, कैसे इक्वेशन का पता करते हैं, बहुत अच्छे से मैंने आपको समझा दिया, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अच्छे से नोट डाउन करना, एक पॉइंट समझ के लिखना, अच्छे से देखना इन सबको। अब कंपाइलेशन में आगे देखते हैं इन सबको, सारे रिजल्ट को एक साथ देखते हैं, आई बात समझ में? तो नोट डाउन कर लो जल्दी से, अगला करते हैं, ठीक है, नोट डाउन कर लो। अब देखो जितना हमने पढ़ लिया उस पूरे को मैं एक चार्ट में आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये जो चार्ट मैं बना रहा हूँ, चार्ट है ये, इसको बहुत अच्छे से समझ लेना, इसी पे पूरा ये चैप्टर बेस है, ठीक है, ध्यान से देखो। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया वो बता दो। तो हमारा रेशियो कंपैरिजन में सबसे पहला रिजल्ट क्या आया था, नंबर वन, ए वन अपॉन ए टू नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, ठीक है। जब ये आ जाए, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब कैसे बनती है, मैंने बताया, बना के दिखाया था इस तरीके से, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो अलग अलग मार्कर से दिखा रहा हूँ, लाइन कैसे आएगी, ये तो ऐसे आएगी इंटरसेक्टिंग, एक ये होगी और एक ये होगी इस तरीके से, ठीक है, दोनों लाइन एक दूसरे को कहाँ काटेगी, किसी एक पॉइंट पे यहाँ पे काटेगी, आई बात समझ में? ये होता है इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, दोनों ने कहाँ काटा एक दूसरे को, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया। एल्जेब्रिक मतलब क्या होता है इसका, इसको बोलते हैं एग्जैक्टली, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, और क्या बोलते हैं इसको, और बोलते हैं इसको यूनिक सॉल्यूशन, क्या बोलते हैं इसको, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, और इसको बोलते हैं, और बोल लो इंटरसेक्टिंग, क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है, क्लियर है यहां तक तीनों का, अच्छे से समझ में आया। अब आ जाओ इसका मतलब, ये कंसिस्टेंट होता है कि इनकंसिस्टेंट, तो ये होता है कंसिस्टेंट,
कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था पहले लेक्चर में, जिसके एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। आई बस समझ में, तो कंसिस्टेंट। और ये डिपेंडेंट होता है कि इंडिपेंडेंट, ये होता है इंडिपेंडेंट। सर इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, मतलब वैल्यू एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती, मतलब a1 अपॉन a2 की वैल्यू b1 अपॉन b2 पे डिपेंड नहीं करेगी, या x की वैल्यू y पे डिपेंड नहीं करेगी। आई बात समझ में, ये था मेरा पहला। अब दूसरा देखो, दूसरा क्या है मेरा, दूसरा है मेरा a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, और ये किसके बराबर आया था, नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, नोट डाउन कर लो इसको। अब देखो ये हमारा केस आया था, इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं देखो, मैं दिखा देता हूँ इस तरीके से। ठीक, कैसे ग्राफ आया था, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन मतलब कैसे, एक लाइन कुछ ऐसे आएगी और एक और लाइन ऐसे आएगी, अलग अलग हमारे पास मैं दिखा रहा हूँ इसी तरीके से। ये दोनों कैसी है, पैरेलल लाइन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ठीक है, और इसका दूसरा नाम क्या है, और इसका दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम देख लो इसको, इसको बोलते हैं पैरेलल लाइंस। क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, पैरेलल लाइंस। क्लियर है यहां पर, ये कैसा होगा, कंसिस्टेंट कि इनकंसिस्टेंट, ये होगा इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, और इसमें क्या होगा, ये इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट, तो ये भी क्या होगा, इंडिपेंडेंट। क्लियर है यहां तक, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा ग्राफ क्या था हमारा, तीसरा देखो, थर्ड नंबर का, ये क्या आया था मेरा, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, इसका ग्राफ कैसे आया था, ध्यान देखो ध्यान से, ये इस तरीके से। ठीक है, इसका ग्राफ कैसे आया था, ध्यान से देखना, ये एक लाइन आई थी ऐसे इस तरीके से, और किसी के ऊपर मतलब इसी के ऊपर ये दूसरी लाइन है, देखो ऐसे मैं अलग डॉटेड से दिखा देता हूँ इस तरीके से। आई बात समझ में, इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट, तो इसको बोलते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, और इसका दूसरा नाम क्या है, और इसको दूसरा क्या बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम क्या है, कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, क्लियर है यहां तक, मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होगी, समझ में आ गया होगा। और ये क्या होता है, ये होता है कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। ठीक है, और ये क्या होता है, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट। क्लियर है मेरे हिसाब से, सब चीज समझ में आ गई, तो ये पूरा चार्ट बना लो अच्छे से, एक A4 साइज पे बना लेना और इसको संभाल के रखना, क्योंकि जितना कुछ है इस चार्ट के अंदर है, मैंने सारा आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। यूनिक चार्ट है ये, इसी में सब कुछ है, एक जगह सारी चीज कंपाइल करके दे दी, ताकि आपको बार बार लिखने की और याद करने की जरूरत ना पड़े। अच्छे से समझ में आया, अब इसका डिटेल एनालाइज करेंगे कि इसका ग्राफ बनता कैसे है, और ऐसा ही क्यों बनता है, और ग्राफ बनेगा तो हम कैसे प्लॉट करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि यूनिक सॉल्यूशन है कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है कि नो सॉल्यूशन है। आई बात समझ में, तो नोट डाउन कर लो, आगे इसको सॉल्व करते हैं, नोट डाउन कर लो इसको। अब देखो यूनिक सॉल्यूशन का ग्राफ कैसे बनता है, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, मैंने लिख भी लिया है, क्या लिखा है देखो, यूनिक सॉल्यूशन और इंटरसेक्टिंग लाइन, ग्राफ कैसे बनेगा ध्यान से। ये मेरी दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। ठीक है, ध्यान से देखना, इसको सॉल्व करने का तरीका देखना, तभी कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। इसको लिया मैंने, इसको क्या लिया मैंने, x + y = 3। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, y = 3 - x, या x = 3 - y, कोई सा लिख लो, किसे भी बोलो सारा समझ जाएगा। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये ले लिया और ये ले लिया। ठीक है, दोनों में से किसी को भी ले लो, मैं क्या ले लेता हूँ, ये वाली ले लेता हूँ। ठीक है, अब इसको सोल्व कैसे करते हैं, सिंपल सा देखो तरीका, देखना बॉक्स बना। ठीक है, ऐसे मैंने बॉक्स बना लिया। ठीक है, ये 1 2 3
एक दो तीन चार वैल्यू ले लेता है, ठीक है, क्लियर है यहाँ पर। तो यहाँ पे लिखा मैंने क्या x, सर यहाँ पे x क्यों आएगा, जो राइट हैंड साइड में प्लस या माइनस में होगा उसको ऊपर लिखना है और जो लेफ्ट हैंड साइड में होगा उसको नीचे लिखना है। अब यहाँ पे वैल्यू रखो, मैंने x को जीरो रखा तो जीरो रखने पे ये टर्म खत्म हो गई, तो थ्री माइनस जीरो मतलब थ्री। फिर वन रखा, वन रखने पे क्या आएगा, थ्री माइनस वन इक्वल टू टू। फिर टू रखा तो थ्री माइनस टू इक्वल टू वन, और फिर थ्री रखा इसलिए तो थ्री माइनस थ्री इक्वल टू जी। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फर्दर भी इसको और आगे कर सकते हैं, और वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन इतनी ही वैल्यू रखनी है, ठीक है। अब ये वाला ग्राफ लिखता हूँ, ये वाला, ठीक है, ध्यान से देखो। मैंने क्या लिखा, थ्री एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे टू है तो टू से किसी को डिवाइड करना ज्यादा आसान होता है बजाय थ्री से। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस टू वाई को, इस माइनस की टू वाई को इधर ले जा रहा हूँ और इस फोर को इधर ला रहा हूँ। क्या लिखा मैंने, थ्री एक्स माइनस फोर इक्वल टू टू वाई, या इसको ऐसे लिख सकते हैं टू वाई इक्वल टू थ्री एक्स माइनस फोर। क्लियर है, यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब देखना ध्यान से, तो मैंने क्या किया, वाई इक्वल टू ये लिख सकता हूँ थ्री एक्स माइनस फोर अपॉन टू। ये चीज समझ में आई कि नहीं, ये चीज। अब देखो फिर वही काम करना है, बॉक्स बनाना है, डब्बा, ठीक है, डब्बा बनाना है। ये मैंने डब्बा बना दिया, ठीक है, और यहाँ पे लाइन खींच देनी है, एक दो तीन चार, चार वैल्यू ले लो, हमारा काम हो गया। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स, क्योंकि राइट हैंड साइड में क्या है एक्स और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है वाई। अब देखो ध्यान से, अब मैं यहाँ पे वन भी रख सकता या जीरो भी नहीं रख सकता, क्यों, जीरो रखने पे क्या होगा, ये थ्री माइनस जीरो जीरो और माइनस का फोर डिवाइडेड बाई टू। वन भी नहीं रख सकता, वन रखने पे पॉइंट बन जाएगा, तो मैं डायरेक्ट टू रखता हूँ, ठीक है। तो थ्री टू या सिक्स, सिक्स में से फोर गए टू, तो टू को टू से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा वन, ठीक है। अब टू थ्री नहीं रख सकता, क्यों, थ्री थ्री या नाइन, तो नाइन में से फोर गए तो फाइव, मतलब टू पॉइंट फाइव आया, तो टू पॉइंट फाइव प्लॉट करना दिक्कत होता है ना, तो फोर रख लो, क्या रख रहा हूँ, फोर रखने पर कितना आया, थ्री फोर या ट्वेल्व, ध्यान से देखना, ट्वेल्व, ट्वेल्व रख दिया ना मैंने, तो ट्वेल्व रखने पर ये कितना होगा, ट्वेल्व में से फोर गए एट, एट को डिवाइड करेंगे टू से तो कितना आएगा फोर, क्लियर है। अब इसी तरीके से सिक्स रखा तो यहाँ पे कितना आएगा, और एक चार सात, सिक्स रखने पे सिक्स दिख गया एटीन, एटीन माइनस फोर मतलब फोर्टीन, फोर्टीन को टू से डिवाइड करेंगे सेवन, ठीक है। ये तीन वैल्यू दे दो, तीन से हमारा काम हो जाएगा। अब देखो कुछ एक वैल्यू कॉमन है दोनों में, ध्यान से देखना, ये वैल्यू ध्यान से देखो, ग्राफ से ही पता चल जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कॉमन है, एक्स कितना है टू और वाई कितना है वन, तो यहाँ पे भी देखो एक्स कितना है टू और वाई कितना है वन, ये दोनों वैल्यू कॉमन है, इसके साथ कोई वैल्यू कॉमन नहीं आएगी, आप करके देखिएगा। आज बस में अब इसका ग्राफ बनाते हैं, ध्यान से देखना ग्राफ में कैसे बना रहा हूँ, ठीक है। तो x पे हाईएस्ट कितना जा रहा है, x पे हाईएस्ट जा रहा है 6 और y पे हाईएस्ट कितना जा रहा है 7, तो ये मैंने ग्राफ बना लिया ऐसे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ये है y और ये है x, ध्यान से देखो x पे कितना जा रहा है हाईएस्ट 6 तक, तो 6 जा रहा है तो एक वैल्यू ज्यादा रख लेंगे 7, y पे कितना जा रहा है 7 तो एक वैल्यू ज्यादा रख लेंगे 8। तो यहां पे कितना होता है ये मुझे पता है, 0 0 ओरिजिन, ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर है। यहां पर मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उसी तरीके से y पे भी काम दिखा रहा है, तो ये आएगा 1 2 3 4 5 6 और आगे बढ़ा देते हैं इसको, ठीक है, 6 6 यहां देखिए, और यहां पे क्या आएगा 7 और यहां पे कितना आएगा 8, क्लियर है। यहां अब इस ग्राफ को प्लॉट करते हैं, आई बस हम देखो अलग अलग मार्कर से मैं प्लॉट कर रहा हूं, इसके लिए मैं यूज कर रहा हूं हरे पेन का और इसके लिए यूज कर रहा हूं मैं लाल पेन का, ठीक है। तो इसके लिए बना रहा हूं x equal to 0 पे y कितना है 3, x equal to 0, x equal to 0 ये y कितना है 3, तो 3 पे गुणा करो, x equal to 1 और y कितना है 2, तो x equal to 1 और y equal to 2, तो ये है ए यहां पे, फिर कितना है x equal to 2, x ये है x equal to 1, 1 पे लिया ना, यहां भी आएगा ये, रुक जाओ, x 1 पे y 2 है, तो x 1 पे y 2 है, ये यहां है, इस तरीके से।
फिर x2 पे x2 ये है और y कितना है 1 तो 2 ये है 1 ये है समथिंग ये फिर कितना आएगा x 3 पे y 0 x 3 पे y 0 यहां क्लियर है यहां तक। अब इसको मिटा देते हैं जो ये डॉटेड लाइन है ताकि आपको ग्राफ क्लियर हो जाए। क्लियर है ये देखो क्लियर। अब इस लाइन को मिला देते हैं तो ये देखो ये मिल गई ऐसा बन गई ना ये ठीक है क्लियर है यहां तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको। यहां देखो अच्छे से जितनी सुंदर से है मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है तो जो बोर्ड है उसी पे मैंने अच्छे से बेटर बनाने की कोशिश की। अब इसको बनाता हूं ठीक है x equal to 2 पे कितना है y equal to 1 x equal to 2 ये रहा y equal to 1 ये रहा यहां पे गोला बना दिया ठीक है x equal to 4 x equal to 4 पे y कितना है 4 4 पे 4 तो ये रहा 4 पे ये और 6 पे कितना है 7 तो 6 ये रहा 7 ठीक है तो ये कहां पे है ये या आई बात समझ में मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब इसको मिटाते हैं ठीक है ध्यान से देखो ये मैंने मिटा दिया ऐसे ठीक है ये मिटा दिया और ये वाली लाइन मिटा दी क्लियर है। अब इसको ग्राफ को मैं प्लॉट कर रहा हूं देखो देख देखना ध्यान से ये मैं यहां से बना रहा इस तरीके से ये आई लाइन और यहां पे इसने क्या किया ये 1 पे एक्जेक्टली 1 पे कट करेगा ये आप ये आएगा 1 ठीक 1 क्लियर है यहां तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा दोनों ग्राफ क्लियर है कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखना ध्यान से अब आपको मैं मोटा मोटा दिखा देता हूं ये देखो ये देखो ये 1 पे कट करेगा इसको ये बन गया ये देखो ये क्या बन गया मेरा ये बन गया ट्रायंगल दिखा ये होगा ये होगा दिख गया इंटरसेक्ट कर दिया दोनों एक दूसरे को इसको चाहो तो फर्दर पोल आगे बढ़ा सकते हो कोई दिक्कत नहीं ऐसे आगे बढ़ा दो पोल इस हरे वाले को ऐसे आगे बढ़ा दो ठीक है इस तरीके से कोई दिक्कत ग्राफ दिख गया आपको इंटरसेक्टिंग इसका एरिया पूछा है ठीक है यहां तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कोई समस्या नहीं है। अब देखो इस पार्ट का एरिया कैसे निकालेंगे इसको नाम दे दो इसको दे दिया मैंने ए और इसको दे दिया बी और इसको दे दिया सी तो क्या ट्रायंगल बन गया तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होता है ½ बेस ए टू हाई ठीक है ध्यान रखना इंटरसेक्टिंग लाइन में मैक्सिमम टाइम ट्रायंगल ही बनता है या मैक्सिमम टाइम क्या हमेशा ट्रायंगल ही बनेगा नोट डाउन करके ये लिख लेना जो चीज मैंने आपको बताया ठीक है तो ट्रायंगल बन गया। अब ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे ट्रायंगल का एरिया होता है ½ * बेस ए टू तो ½ तो ये रहा बेस कितना है देखो बेस कितना है 1 से लेके 3 तक चला 1 से लेके 3 तक तो 1 से लेके 3 तक चला तो बेस कितना होगा 2 इनटू हाइट कितनी है देखो ये वाली हाइट है ए ये इसको बोलते हैं हाइट ये हाइट कितनी यहां से आता 1 तो कितना आ गया 1 तो 2 से 2 कट गया तो आंसर क्या है 1 तो एरिया मतलब कितना आ गया यहां पे लिख देता हूं मैं एरिया इक्वल टू 1 यूनिट याद रखना यूनिट और स्क्वायर क्यों क्योंकि एरिया हमेशा मीटर या सेंटीमीटर होता है तो यहां हमें पता नहीं है कि भाई ये मीटर है कि सेंटीमीटर है तो इसलिए हमने क्या लिख दिया यूनिट स्क्वायर। आई बस समझ में जरूर लिखना पड़ता इसके भी मार्क्स कट जाएंगे मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से मैंने आपको ग्राफ एक्सप्लेन किया। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा आसान तरीके से ग्राफ आपको शायद ही कभी आता हो सॉल्व करने पूरी मैंने कोशिश की है कि कितनी प्यारी तरीके से और आसान भाषा में आपको समझ में आ गया। अच्छे से देखना वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना ताकि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ पैरेलल का ग्राफ बनाएंगे ठीक है इसको नोट डाउन करो।